and welcome to NCERT Zone. Biology AIIMS MCQ with explanation. और आज हम इस वीडियो लेक्चर में पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने AIIMS 2016 के 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे AIIMS 2016 के. Match the column 1 with column 2. Select the correct option for quotes given below. इसमें एक क्रॉप है और दूसरा उसका वैरायटी है, उससे हमें मैच करना है. ब्रासिया की वैरायटी है पूसा गौरव, ओखरा की वैरायटी है पूसा सवानी, वीट का वैरायटी है हिमगिरी, कोपिया की वैरायटी है पूसा कोमल. सम ऑफ द स्टेप ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग आर गिवेन बिलो, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस. ये कुछ स्टेप्स है डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के, उसे स्टेप बाय स्टेबलाइज करना है, अरेंज करना है, जिसमें इलेक्ट्रोपोरेसिस ऑफ डी एन ए फ्रेगमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डी एन ए प्रोब, डाइजेशन ऑफ डी एन ए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, और डी है ऑटो रेडियोग्राफी, यह है बोल्टिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन. तो पहले आप पहुंच करके अपना आंसर चेक कर लें. तो स्टेप बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ये स्टेप है. पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सिंपल सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं. एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इफ डीएनए इज लेस इन अमाउंट. अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो उसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसे मल्टीप्लाई किया जाता है. तीसरा स्टेप डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, जो वहां पे ऑप्शन सी में लिखा था. चौथा दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इलेक्ट्रोपोरेस्ड इन एग्लोज जेल, दिस फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड बाय यूजिंग ईवीआर यूवी सिस्टम, जो ए में दिया गया था. और सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूजिंग साउथर होल्डिंग टेक्निक, ये ऑप्शन ई में दिया गया था. प्रोबिंग ऑफ वीएनटीआर डॉन बाय लेवल्ड डीएनए प्रोब, जो बी में दिया गया था. द हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी, हाइब्रिडाइज्ड फ्रेगमेंट को ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो इसे आप पहुंच करके पहले अपना आंसर खुद से चेक कर लें. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहते हैं, एरिया जहाँ पे हाई एंडेमिज्म होगा और हाई लेवल स्पेसिफिक स्पेसीज रिचनेस होगा उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं. तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हाई स्पेसीज रिचनेस होता है और हाई डिग्री एंडेमिज्म होती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा. एज जोन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर ड्यू टू, एज जोन स्केलेटल मसल फाइबर का किसके कारण है. तो इसे भी आप पॉज करके पहले अपना आंसर खुद से चेक कर लें. तो एज जोन है सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एंड एक्सटेंडेड थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. द वॉल्यूम ऑफ एनाटोमिकल डेड स्पेस ऑफ एयर इन नॉर्मली इज नॉर्मली, एनाटॉमिकली डेड स्पेस का वॉल्यूम कितना है. वॉल्यूम ऑफ एनाटॉमिकली डेड स्पेस इज 150 ml. एनाटॉमिकली डेड स्पेस का वॉल्यूम 150 ml है. टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहाँ पे देखा जाता है, तो इसे भी पहुंच करके आप अपने से चेक कर ले. टेट्राडाइनेमस कंडीशन में 6 स्टीमन होंगे, जिसमें 4 इनर होगा और 2 आउटर होगा. इसका एग्जांपल है ब्रासिया कॉमेपेट्रिस. लेयर
टेट्राडेनमस कंडीशन ब्रेसिया कैमोपेट्रिस में पाया जाएगा। एस्ट नॉट इंक्लूड इन प्रोटोजोआ बट इन फंगी बिकॉज एस्ट को फंगी में इंक्लूड किया गया है पर प्रोटोजोआ में नहीं इंक्लूड किया गया है, इसका रीजन क्या होगा? तो आप पहले अपना ऑप्शन चेक कर ले। प्रोटोजोआ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक में प्रीडेटर और पैरासाइटिक है, और एस्ट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, इसलिए यही डिफरेंस है कि एस्ट प्रोटोजोआ नहीं है, एस्ट फंगी है बल्कि पर प्रोटोजोआ नहीं है, क्योंकि प्रोटोजोआ में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, प्रोटोजोआ में प्रीडेटर और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और एस्ट में सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसका आंसर बी होगा। अ सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड्स इन डाइकोट स्टीम द थिकनेस ऑफ, और सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो किसका थिकनेस इंक्रीज करेगा? तो इसका इससे पहले आप पॉज करके अपना ऑप्शन चेक कर ले। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो सैप वुड बनेगा, और पुराना सैप वुड जो होगा वो हार्ड वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक डेड लिग्निफाइड हार्ड स्ट्रक्चर है। तो इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ के कारण हार्डवुड इंक्रीज करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का एक्शन क्या होगा? तो पहले इसे पॉज करके अपना इसे चेक कर ले। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड से ग्लूकोज लेकर के और मसल में ट्रांसफर कर देता है, ब्लड के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल में ट्रांसफर कर देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में डिक्रीज करने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस ऑफ सी इन सी फोर प्लांट्स इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाई एटमोस्फेरिक CO2 लेवल बिकॉज द प्राइमरी, सॉरी पहले आप ऑप्शन अपना चेक कर लें। बिकॉज द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मीडिएटेड विया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सीक्वेंस 5'-2'-3' GTTCGAGTC है, द सीक्वेंस ऑफ बेस ट्रांसक्रिप्ट्स के उसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसके बेस का सीक्वेंस क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ये है। तो पहले आप पॉज करके अपना ऑप्शन चेक कर लें। पहले कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा तो जी का सी होगा, थायमिन का एडिनिन, फिर साइटोसिन का गुआनिन, गुआनिन का साइटोसिन, एडिनिन का थायमिन, गुआनिन का साइटोसिन, थायमिन का एडिनिन, फिर से साइटोसिन का गुआनिन, और फिर से टेम्पलेट स्ट्रैंड फिर से अपने ट्रांसक्रिप्ट में चेंज होगा। तो फिर से वहाँ पे चेंजेज वही आएंगे, सिर्फ आरएन, फिर सिर्फ डीएनए के बदले आरएनए के सीक्वेंस में चेंज होगा, जैसे कि साइटोसिन का गुआनिन, वो गुआनिन तो सबके केस में सेम होंगे, और सिर्फ थायमिन का यूरासिल होगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे यूरासिल आ जाएगा थायमिन के बदले, तो एडिनिन का यूरासिल, एडिनिन का यूरासिल, और यहाँ पे भी एडिनिन का यूरासिल। तो यहाँ पे सीक्वेंस है हमारा GUUCGAGUC, और ये सीक्वेंस हमारा सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्लाज्मोलाइट सेल कैन बी डीप्लाज्मोलाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इन, कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड है उसके बाद डी प्लाज्मोलाइट कैसे होगा, वहाँ पर उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे? तो पहले आप अपना ऑप्शन चेक कर लें। सेल को जब हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, जिसे प्लाज्मोलाइट कहते हैं, और अगर सेल को अगर हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है, जिसे प्लाज्मोलाइट कंडीशन कहते हैं, अगर आइसोटॉनिक में रहेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और हाई
पोटोनिक में होगा, तो सेल का स्वेल करेगा, सेल का साइज इंक्रीज करेगा और सेल टर्जिट हो जाएगा। हाइपरटोनिक के केस में सेल से बाहर वाटर निकलेगा और हाइपोटोनिक के केस में सेल के अंदर वाटर जाएगा। मतलब यहाँ पे सराउंडिंग जो है मोर कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे सराउंडिंग लेस कंसंट्रेटेड है। तो कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया तो उसे फिर से डीपोल प्लाज्मोलाइज्ड करना है, तो उसे ऐसे कंडीशन में रखेंगे जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। इसलिए डीप प्लाज्मोलाइज्ड करने के लिए इसे प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। और प्योर वाटर में तो सॉल्यूट का कोई कंसंट्रेशन होगा नहीं, तो ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही आएगा। प्योर वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सिर्फ फिर से डीप प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। वन ग्रीन हाउस गैस, एक ग्रीन हाउस गैस है जो 14% टोटल ग्लोबल वार्मिंग का 40% है, और दूसरा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में 66% पार्टिसिपेट करता है। तो वो दोनों गैस कौन कौन से हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग का 40% कंटेन करता है और N2O ग्लोबल वार्मिंग का 6%, ग्लोबल वार्मिंग में 6% प्रेजेंट होंगे। ग्रीन हाउस गैस का 60% कार्बन है, 20% मीथेन है, 40% क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और N2O 6% है। इसलिए हमारा ऑप्शन 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और 6% N2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इन लिपिड बाई लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो इसे आप पहले पॉज करके अपने आंसर चेक कर लें। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड बाई लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी चैनल प्रोटीन की तरह एक्ट करेंगे। इनमें से कौन सा ग्रुप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? तो पहले आप अपना ऑप्शन चेक कर लें। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी में आएंगे। इसलिए आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। द फॉलोइंग डायग्राम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, आइडेंटिफाई ए बी सी। ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है और इसका पार्ट ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। तो आप पहले अपना आंसर चेक कर लें। तो ये वाला पर्सन हमारा यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे ए हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बी हमारा पोलन ग्रेन है और सी इंडोथीलियम है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कैपिटल ए डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल ए रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ए कैपिटल ए डोमिनेंट है और स्मॉल ए हमारा रिसेसिव है, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए को हम क्रॉस करवाते हैं तो उसका रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग क्या होगा? तो इसे पॉज करके पहले आप अपना आंसर चेक कर लें। कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए को हम क्रॉस करवाते हैं तो उसका रिजल्टेंट जनरेशन 50% डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और 50% रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो डोमिनेंट और रिसेसिव फिनोटाइपिक रेशियो 50%, दोनों 50%, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन सेल ऑफ ब्रेड बीट ट्रिटिकम एस्टिवम सजेस्टेड दैट इट इज। तो इसे आप पहले पहुंच करके अपने ऑप्शन चेक कर लें। ब्रेड बीट ट्रिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लोइड है, इसमें एक सेल में सिक्स क्रोमोजोम, सिक्स इसमें एक एक पेयर में सिक्स पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे क्योंकि ट्रिटिकम हेक्साप्लोइड है। ट्रिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लोइड है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट ऑफ द गिवन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
इन इस फिगर के लेवल को ऑप्शन से मिलाना है हमें। तो आप पहले अपना ऑप्शन चेक कर ले, तो आप पहले पहुंच करके अपना ऑप्शन चेक कर ले। ये फिगर हमारा सियानोबैक्टीरिया फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का था, और जिसमें ये पार्ट हमारा हेट्रोसाइट्स है और आगे के लेयर जो इसका सेल लेयर होता है, सेल वाल लेयर, वो म्यूजिलिनियस सेथ से बना हुआ होता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर हेट्रोसाइट प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो पार्ट ए हेट्रोसाइट्स है और पार्ट बी म्यूजिलिनियस सेथ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एम्स के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 2016 के असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो में कुछ चेंजेज आना चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे आगे वाली वाली वीडियोस को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और इसे अपने दोस्तों से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।